So firstly, Pooja, welcome to IWM Buzz. Big, big congratulations for this new show. Kitna excitement hai. Thank you so much. I'm very, very excited because this is a very, very different medium. ये audio का medium है. ये जो हम acting करते हैं, जो audio video medium होता है, उससे बहुत ही अलग है. So I'm actually really excited. Yeah. When you learned about this project, this audio project, how you reacted? क्या मन में सवाल उठे पहले? एक्चुअली ये मेरा दूसरा ऑडियो सीरीज है. पहला ऑडियो सीरीज भी स्पॉटिफाई के लिए ही था और M&M टॉकीज मंत्रा के साथ उनकी कंपनी के साथ ही था, विच वॉज कॉल्ड बैटमैन. और उसी पे जब काम किया था उसके बाद मंत्रा फ्यू डेज बैक ही कॉल्ड मी एंड सेड एक और इंटरेस्टिंग सा किरदार है जो शायद आपको करने में बहुत ही मजा आएगा, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड. और उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया एंड इट वाज डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग एंड सो आई जस्ट कुडंट हेल्प बट से यस. एज एन आर्टिस्ट हाउ दिस वर्क्स फॉर यू, हाउ दिस फील फॉर यू, कितनी मेहनत इसमें लग गई? बिकॉज नो पीपल सिंग इसमें तो सिर्फ ऑडियो है बट इसके पीछे भी कई सारे नो वर्क्स होते हैं जो एक आर्टिस्ट को करना होता है. Of course. It's not easy. ना ही acting easy है और ना ही ये वाली acting easy है. ये तो और भी difficult है क्योंकि जब हम audio visual medium करते हैं तो कैमरा से आप वीडियो भी रिकॉर्ड करते हो, तो आप देख सकते हो कि इंसान का क्या इमोशन है, कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है. करेक्ट, यू सी इफ द पर्सन इज हैप्पी, दे आर सैड, कंफ्यूज है, तो वो विजुअली आप देख सकते हो. इसमें आपके पास विजुअल नहीं है. विदाउट द विजुअल आपको ये पोर्ट्रे करना है कि मैं क्या फील कर रही हूँ. और उस तरीके से कि आप आंख बंद करो तब भी आपको सब दिखना चाहिए, तब भी आपको समझ में आना चाहिए सिर्फ सुन के ही कि अच्छा अब ये वॉक कर रही है, इसने दरवाजा खोला, अच्छा अभी अंदर गई, अब ये किरदार से बात कर रही है और उसने उसको पानी दिया, उसने पानी पिया, उसने ग्लास रखा, उसके बाद वो घूम के उससे यू नो एवरीथिंग, इट नीड्स टू बी दैट क्लियर. सो एक एक्टर का जॉब तो डिफिकल्ट है ही, उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट जॉब है जो ऑडियो इंजीनियर होता है या साउंड टेक्नीशियन, साउंड डिजाइनर होता है, जो आई एम गेसिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द टर्म्स दैट आई एम यूजिंग. उनका जॉब और भी ट्रिकी होता है क्योंकि हम तो करेंगे जो बोल रहे हैं और जो हम किरदार निभा रहे हैं उसे इन्हेंस करना और उस एटमोसफियर को बनाना, उस दुनिया को बनाते वो लोग हैं. तो हर एक इंसान जो इस पे काम करता है, चाहे वो स्क्रिप्ट लिखता है, चाहे वो उसको एम्बेलिश करता है उसकी डिटेल्स के साथ, उसको डायरेक्ट करता है, उसको पोर्ट्रे करता है, एक्टिंग करता है, या चाहे उसमें साउंड डिजाइनिंग होता है, इट्स नॉट ईजी एट ऑल. इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. सुन ऐसा लगता है कि दो मिनट की चीज़ है, एक 15 मिनट का एपिसोड है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड अ लॉट ऑफ मंथ्स टू क्रिएट अ प्रोडक्ट. So, आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं फॉर दिस ऑडियो प्रोजेक्ट? हाउ यू वर्क फॉर दिस? हाउ यू डू प्रैक्टिस पहले नो रिकॉर्ड के पहले आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करती हैं? सी वेरी ऑनेस्टली जब आपको सिर्फ ऑडियो का काम करना होता है, ये बहुत जरूरी है कि आपकी आवाज बहुत ही साफ हो. यू नो यू कांट हैव सोर थ्रोट और गला खराब है तो वो नहीं चलेगा. और गला खराब नहीं भी है तब भी आपको सिर्फ आवाज ही आपका टूल है, तो उसे तराशना है. सो द मेन थिंग इज दैट यू टेक केयर ऑफ योर ओन वॉइस. एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाइल वी रिकॉर्डेड दिस फ्यू डेज बैक मेरा सोर थ्रोट वाला फेज चल रहा था. सो देन आई डिड स्टीम, आई डिड गार्गल्स, मैं गर्म पानी पीती थी सो दैट माई वॉइस कम्स बैक टू नॉर्मल. And so that is one preparation that goes into pre-recording. But the other preparation pre-recording jo hai wo ye hai ki aap you know you read the character, you understand the character, you think about the character. Aap socho aap usko kis disha mein leke jaoge, kis tarike ka sound doge, kaisi awaaz nikaloge. Because if you see me, you know ke aap मेरी आवाज कैसी है, साउंड करती है, राइट? इसमें मुझे आप देख नहीं रहे हो तो मैं कैसी भी आवाज निकाल सकती हूँ. इवन देयर आई विद एक्टिंग यू कैन पोर्ट्रे इन एनी काइंड ऑफ वॉइस, बट दिस इज द कैरेक्टर वर्क और रादर कैरेक्टर स्केच दैट यू डू फ्रॉम योरसेल्फ.
तो ये मेरा प्रोसेस होता है कि मैं सोचती हूँ कि क्यों कैसे क्या, यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड देन यू गो ऑन एट द रिकॉर्डिंग स्टूडियो एंड देन अकॉर्डिंग टू योर डायरेक्टर आप उसको रिकॉर्ड करते हो विथ योर डायरेक्टर आदर. तो अगर बात क्या जाए आई कांट हियर यू की, तो आपका किरदार ध्वनि का है, तो अपने किरदार के बारे में बताइए जो आप प्ले कर रहे हैं. यस श्योर. सो मेरे किरदार का नाम है ध्वनि. शी इज एन अकूस्टिक साइंटिस्ट. अब हमने आज तक सुना नहीं है अकूस्टिक साइंटिस्ट का भी एक जॉब प्रोफाइल होता है, करेक्ट? सो फॉर अ लॉट ऑफ अस वी डोंट नो. सो मैं एक्सप्लेन करूंगी. अकूस्टिक साइंटिस्ट इज अ साइंटिस्ट हु works, examines sounds, different sounds. चाहे वो instruments हो, चाहे वो natural sound हो, वो sound wave, sound frequency, infrared sound, infrasound, ये sound, वो sound. There's a lot of sounds. कुछ ऐसे sound होते हैं जो हमें as a human सुनाई नहीं देते हैं, जो सिर्फ sonar, जो bats होते हैं, जो whales होते हैं, जो सिर्फ उन्हीं को उस frequency के sound सुनाई देते हैं. और वो frequency के sound अगर हम पे use किए जाएं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है और क्या इम्पैक्ट नहीं होता है. ऑल दीज थिंग्स, दिस इज व्हाट एन अकूस्टिक साइंटिस्ट डज, दे स्टडी साउंड. नाउ क्योंकि वो अकूस्टिक साइंटिस्ट है, शी नोज हाउ टू मैनिपुलेट साउंड और वो उसके पास पावर्स भी है. तो समझ तो है ही उसमें साउंड की, लेकिन उसके पास शक्तियां भी है टू कंट्रोल साउंड. उसके पास एक्चुअल पावर्स है तो वो साउंड को मैनिपुलेट कर सकती है, आपको कुछ और सुना सकती है, कुछ आपको आपकी सुनने की क्षमता को खराब कर सकती है. यू नो शी इज द एंटी हीरो ऑफ द सीरीज. एंड जो प्रियंवदा का कैरेक्टर है विच इज बीइंग प्लेड बाय आहना कुमरा, सो शी इज ऑल्सो यू नो अ क्राइम डिटेक्टिव. दिस इज अ क्राइम थ्रिलर सीरीज, राइट? और वो उसमें डिटेक्टिव होती है. एंड आहनाज कैरेक्टर प्रियंवदा ऑल्सो हैज पावर्स. तो उसमें ये क्षमता है कि अगर से कोई क्राइम सीन हुआ है तो वो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम सीन पर जाएगी और बॉडी को टच करती है तो उसे सुनाई देता है, उसे आवाजें सुनाई देती है कि एक्चुअली हुआ क्या था इनके साथ या यहाँ पर हुआ क्या था. धीरे धीरे सीरीज में उसकी पावर्स कम होने लगती है और उसको एक बार अचानक से सुनाई देना बंद हो जाता है, विच इज द नेम ऑफ द सीरीज आई कांट हियर यू. अब वो कैसे होता है, कौन करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है, दैट इज व्हाट विल अनकवर ड्यू थ्रू द एपिसोड्स ऑफ आई कांट हियर यू. आपको नहीं लगता कभी इतनी अच्छी सारी स्टोरीज को विजुअली सभी के सामने आना चाहिए, एक बड़े किरदार बड़े पर्दे पे आने की जरूरत है, बिकॉज वी मिस ऑल दिस नो स्मॉल स्मॉल स्टोरीज जो कि ऑडियंस काफी ही पसंद करेगी विजुअली आल्सो. करेक्ट, दैट इज ट्रू. बट क्या है ना, ये जो अब आजकल नए मीडियम्स जब ओपन होते हैं ना, तो इन मीडियम्स पे हमें थोड़ा सा फ्रीडम होता है एक्सपेरिमेंट करने का, बिकॉज किसी भी ऑडियो विजुअल चीज को बनाना, चाहे वो सीरीज हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो टेलीविजन सीरियल हो, इट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट. करेक्ट? एंड आपको पता नहीं है कि आप सक्सेस होंगे या नहीं, आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं. सो दैट गैम्बल समटाइम्स द मेकर्स और हूएवर द प्लेटफॉर्म इज और द स्टूडियो इज डू नॉट वॉन्ट टू टेक दैट काइंड ऑफ गैम्बल, जहां उनको लगता है कि यार शायद इसके चांसेस कम है. So these kind of stories are not really seen on such mediums. But हाँ, उनका freedom होता है ऐसे जगहों पे जहाँ पर शायद experiment करने के लिए लोग ज़्यादा open है, क्योंकि उसका cost भी अलग है और उसकी audience भी है. अब you know, मुझे ऐसी crime thriller series को सुनना, मुझे तो वैसे audio medium बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं radio बहुत अच्छा लगता था मुझे सुनना. मैं पूरा बचपन radio सुनकर गुजारा है, विविध भारती सुनती थी मैं, उस पर जो रात को
स्टोरीज आती थी, प्ले प्ले आते थे, प्रॉपर प्ले पोएट्री होते थे, उसमें भी किरदार होते थे, उसमें आप सुनते थे कि ये किस तरीके से क्या चल रहा है, मंडी का साउंड डालते थे तो मंडी भी आप उस आपको लिटरली सुनाई देगा, साइकिल की आवाज, रिक्शा की आवाज, बीच में पीछे सब्जियां, सब्जी मंडी अगर है तो उसमें सब लोग बेच रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, मच्छी बाजार है, तो वो सब, यू नो, इट वॉज ब्यूटिफुल दैट वर्ल्ड. तो यहाँ पर आई थिंक पीपल आर मोर ओपन टू मेकिंग सच सीरीज एंड स्पॉटिफाई इज बीइंग वन ऑफ देम हु इज एक्चुअली वेरी इनकरेजिंग, और वो ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ ऐसी स्टोरीज को हम इतने अच्छे से एक्सप्लोर कर पा रहे हैं. सो एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट विद द सक्सेस ऑफ सच काइंड ऑफ स्टोरीज ऑन सच मीडियम्स, मे बी यू नो विजुअल मीडियम की जितनी भी लोग है वो अट्रैक्ट हो और बोले कि ओके चलो हम ऐसा भी कुछ हम विजुअल मीडियम में भी बनाते हैं. सो दैट्स द होप. पूजा, आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि पॉडकास्ट के कई सारे सीरीज आते हैं ना, पार्ट वन पार्ट टू, सो इसका भी कोई नया सीरीज आने वाला है, विल बी देयर बी अ सीजन 2 आल्सो? आई एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया, वो आपको M&M टॉकीज की टीम और मंत्रा ही बता पाएंगे, बिकॉज उन्होंने क्या सोचा है, व्हाट दे हैव इन माइंड, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया. I'm curious about it. Yes. How you see this podcast series? You know, आजकल audience काफी ही पसंद कर रहे हैं podcast को भी, जैसे कि OTT को accept किया है, वैसे कई सारे लोग अब podcast को भी accept कर रहे हैं. How you see personally as an artist? I love it. I love any form of entertainment, or I love it that you know, बहुत सारे avenues खुल रहे हैं जिसमें लोग अपना career बना सकते हैं, जो शायद हम जब बड़े हो रहे थे, आज की जनरेशन तो बहुत अलग है उनके, मतलब हम जब बड़े हो रहे थे तब तो तीन चार ही चीज़ें होती, तीन चार ही करियर्स होते थे कि यार आप डॉक्टर बनना है, साइंस की फील्ड ली है तो आप डॉक्टर इंजीनियर बनना है, या आप MBA करोगे, CA करोगे, या आप आर्ट्स में तो आप टीचर बनोगे, तो देर इट वॉज वेरी लिमिटेड. आज देखो देर आर सो मेनी ऑप्शंस, आपको अगर कोई चीज आती है तो आप उससे पैसे कमा सकते हो, आप उससे करियर बना सकते हो, एंड पीपल एक्सेप्ट इट इफ यू आर गुड एट इट. सो दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स. पॉडकास्ट इज प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू पीपल हु वॉन्ट्स टू एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोर देमसेल्व्स इन दिस जोन. तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एनी वे लव इट एज एन एंटरटेनमेंट ऑल्सो, एंड as a career point of view also it's a very good idea. Yes. So Pooja, one message for the audience who are eagerly waiting to see to hear your voice on a podcast. Yes, I would like to tell everyone out there that please download Spotify on your phone. या तो फिर आप spotify.in पर जाइए और ये आई कांट हियर यू जो सीरीज है उसको जरूर सुनिए, इट इज फ्री फॉर एवरीवन टू हियर, एंड सुनकर हमको जरूर बताइएगा मेरे इंस्टा हैंडल पे या M&M टॉकीज के इंस्टा हैंडल पे या spotify के इंस्टा हैंडल पे, आप बताइए कि आपको कैसी लगी ये सीरीज, एंड वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू एंड मेक मोर ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर यू. थैंक यू पूजा फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू टू. बाय. थैंक यू. बाय.